नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 5 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो रहेगा कि 2040 तक हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरा आर्टिकल देखेंगे कि चाइना अगर एग्रेशन दिखाता है ताइवान में तो क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल होते हैं और कहां पर चाइना को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और लास्ट आर्टिकल रहेगा प्रेसिजन एग्रीकल्चर या प्रेसिजन फार्मिंग से रिलेटेड, जानेंगे तीनों चीज़ों को डिटेल में, देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है बिल्डिंग द फ्यूचर, आर्टिकल को लिखा है विक्रम एस मेहता जी ने। इनका यह कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई हम 2040 तक एनर्जी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में राइटर 10 सजेशंस दे रहे हैं। टू द पॉइंट आंसर है, काम आने वाली बात है, सीधा मेंस में काम आएगी ये चीज़। फर्स्ट क्या है कि हमारे पास में डेफिनेशनल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होती है, सेल्फ रिलायंस होती है। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब तो क्या होता है कि हमने हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के दरवाजे कर लिए बंद और हम खुद उतनी एनर्जी डेवलप कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे जितनी की हमें ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास में हो नहीं सकती, क्योंकि एनर्जी तो हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो सेल्फ रिलायंस है इसका मतलब। इसका मतलब क्या हो गया कि हम अगर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े। कुल मिलाकर के जिस कंट्री से भी हम हमारी एनर्जी खरीद रहे हैं या कहीं पर भी हम कहीं पर डिपेंडेंट है, मान लो फॉरेन अफेयर्स में, तो उस केस में हमारे ऊपर दबाव ना बनाया जाए कि आप ऐसा करो वरना हम आपकी एनर्जी सप्लाई रोक देंगे। तो वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रहे, जिससे कि हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में खुद डिसीजन ले सके। प्लस सेल्फ रिलायंस है इसका मतलब कि हम हमारी ज़रूरतें हमारे हिसाब से पूरी कर करेंगे, ना कि किसी दूसरे के कहने पे। तो पहली तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा सजेशन है राइटर का कि जो फॉसिल फ्यूल की एक्सेस है उसको हमें प्रायोरिटी पर रखने की ज़रूरत है। क्यों? जबकि हम तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना। इसका वजह यह है कि देखो, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। पर सच बात यह है कि ट्रांजिशन इतना स्मूथ, इतना क्विक नहीं हो सकता। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिकन फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। जब उन्होंने अपनी स्टीम पावर से इलेक्ट्रिक पावर की तरफ जब स्विच किया था ना अमेरिकन फैक्ट्रीज़ को, तो बोले 4 दशक लग गए थे उन लोगों को। तो कुल मिलाकर के अगर किसी भी सिस्टम को आप एक तरीके से, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी में ले जाना चाहते हो, तो एक इसका मतलब तो ये नहीं कह सकते कि हाँ जी सब कुछ नया बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। नहीं, कम से कम रीडिज़ाइन तो करना पड़ता है ना, वक्त लगता है उसमें। और वक्त लगता है तो जी आपको वहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी को तो मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के अभी जो फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि ऑयल एंड गैस को अफोर्डेबल और सिक्योर मैनर में प्रोवाइड की जा सके हमारे लोगों को। इसके लिए एक तो पॉइंट बता रहे हैं कि डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में भी कुछ चैलेंजेस है। क्या? देखो, एक तो हमारी जियोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आप देखते हो कि कैसे हमारे अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन सी, हमारे अर्थ मतलब मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली इंडियन टेरिटरी की जो इंटीरियर लैंड कॉम्पोजिशन है, रॉक्स की कॉम्पोजिशन है, वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वहाँ से एक्सप्लोइट करना ऑयल एंड नेचुरल गैस को थोड़ा महंगा काम होता है, ठीक है। और कॉमर्शियली वायबल ऑप्शन अभी तक निकली नहीं है, इसी वजह से एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत कम है अगर हम डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। तो इसके इसमें पॉइंट ये आता है कि अभी तक तो देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज़ ने ही डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे काम किया, तो क्या हमें प्राइवेट सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? क्या हमें ONGC को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? ये दो बड़े सवाल हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, पैसे की कमी है। और पब्लिक का जो पैसा है, गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो पैसा क्या हमें एनर्जी एक्सप्लोरेशन में लगाना चाहिए या फिर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन आना चाहिए? तो दूसरा सजेशन क्या आ गया राइटर का? फॉसिल फ्यूल को प्रायोरिटाइज करना। तीसरा सजेशन है राइटर का, हमें जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमारे रिलायंस हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स फाइनलाइज करने होंगे। वैसे अगर देखा जाए ना तो सेंट्रल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा टारगेट रखा है, फोरकास्टिंग है कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे कि 2030 तक टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी होगी, 830 गीगावाट।
बोलो उसमें से 51% तो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, जिसमें विंड और सोलर मेन रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आज का पार्टिसिपेशन है दैट इज़ ओनली 22%, उसको बढ़ा करके आप 51% तक लेकर के जाओगे। तो एक हमें प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा, कैसे हम सोलर पैनल या फिर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए डिवाइसेस तैयार करने होते हैं उनके लिए हमें कुछ मिनरल्स कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल कॉपर कोबाल्ट लिथियम सेमीकंडक्टर चिप्स, इनकी इनसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बना सकते हैं, सोलर पैनल भी बना सकते हैं, विंड टर्बाइन बैटरीज, ये बनाने में ये पर्टिकुलर मिनरल्स या कंपोनेंट्स काम में आते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये कंपोनेंट और मिनरल्स हमारे यहाँ पर लोकली अवेलेबल है? आंसर है नो। इनमें से बहुत कम ऐसा कंटेंट है जो हमारे यहाँ पर लोकली अवेलेबल हो। प्रॉब्लम तो तब आती है जब हमें ये पता पड़ता है कि S&P ग्लोबल के हिसाब से ये बताया गया कि कॉपर के रिजर्वॉयर्स की बात करो, ठीक है, वो 38% कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अमेरिका के दो कंट्रीज, एक का नाम है चिली एक का नाम है पेरू, और वहाँ पर गवर्नमेंट चलती है लेफ्टिस्ट, और लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट चल रही है वहाँ पे, और हम क्या चल रहे हैं, या तो सेंट्रिस्ट पे चलते हैं या अभी करंटली राइटिस्ट गवर्नमेंट है। तो कुल मिलाकर के कैपिटलिस्ट सोसाइटी और लेफ्टिस्ट सोसाइटी में कैसे सेटलमेंट होगा? जहाँ पर हमें कॉपर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो तो हमें कैसे वहाँ से एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो प्राइवेट कंपनियाँ माइनिंग का काम करती है, और लेफ्टिस्ट सोसाइटी में लेफ्टिस्ट सिस्टम में कौन काम करता है? गवर्नमेंट कंपनियाँ काम करती है। तो ऐसे में वहाँ पर हमें पैर जमाने का मौका मिले थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है। ये तो हो गए नेचुरल रिसोर्सेज की बात, अब हम बात कर लें कॉपर के जो स्मेल्टिंग की और रिफाइनिंग की, उस पर एक तरफा पकड़ है चाइना की। तो कुल मिलाकर के बात क्या है कि हमें जो क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो हमें डोमेस्टिकली एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोबाल्ट निकल और कुछ हैवी रेयर अर्थ मेटल्स ये इंडिया में मिलते हैं, पर इनकी एक्सप्लोरेशन अभी हमारे यहाँ पर स्पीड से नहीं हो रही है। तो ये क्लियर मैसेज है कि हमें हमारी खुद डोमेस्टिकली जो चीज़ अवेलेबल है ना वो तो हमें यहीं से फुलफिल करने की ज़रूरत है। साथ में ग्लोबल कंपटीशन देखा जाए या फिर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज बन रहे हैं जो कि अनफेवरेबल है, कारण हर जगह पे राइवलरी है, लड़ाई चल रही है, टेंशन चल रही है, तो उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन वैसे डिसरप्शन में आ रही है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ डोमेस्टिक डेवलपमेंट, डोमेस्टिक माइनिंग, और एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी जिसमें कि हम हमारी ज़रूरतें इंटरनेशनली बिना किसी प्रॉब्लम के फुलफिल कर सकें, ठीक है। चौथा सजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो जर्मनी की इकोनॉमी की आज की परिस्थितियाँ देखें ना, बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रही है। वहाँ पर उन्होंने जो एक गैस पाइपलाइन का पूरा नेटवर्क यूरोप में डेवलप करना था वो प्रॉपर नहीं डेवलप होने की वजह से स्पेन से जो गैसिफिकेशन फैसिलिटी बेस्ड जो गैस सप्लाई स्पेन से इंश्योर हो सकती थी वो जर्मनी को नहीं हो पा रही है। अब वो गैस पाइपलाइन नहीं थी ना, इसकी वजह से किस पर डिपेंडेंसी रही? रशिया पे, और आज रशिया उसको वेपन की तरह यूज़ कर रहा है कि जी यूक्रेन को अगर आप कोई भी वेपन सप्लाई करोगे तो हम आपको नेचुरल गैस जो है वो नहीं देंगे। नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, ठीक है ना। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई बंद करने की धमकियां देता रहता है, और बंद भी की, ऐसी बात नहीं है जुलाई में भी इस तरीके से, और जर्मनी पर दबाव भी है कि भाई आप इतनी ज़्यादा नेचुरल गैस रशिया से खरीदते हो, जर्मनी नहीं यूरोप के और भी कंट्रीज पर, इसकी वजह से रशिया के पास में पैसा जा रहा है, रशिया मनमानी कर रहा है यूक्रेन में। तो ऐसे में ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्या करेंगे हम? हमारे खुद के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ पर गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो है वो देखो नेशनल गैस ग्रिड पाइपलाइन ग्रिड तैयार कर रहा है पूरे देश में, एक पूरी पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार करना। इससे क्या है कि हमें हमारी ज़रूरतें पूरी करने में प्रॉब्लम ना आए, कहीं पर भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हो सप्लाई करने में आसानी रहे। दूसरी, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं ये ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ पर हम इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल होता है ना उसको ज़मीन में बड़े बड़े जो केव बना ली जाती है और उनमें स्टोर करके रखते हैं कि मान लो कल को ने वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वेस्टर्न पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ वेस्ट एशिया, अगर वेस्ट एशिया में कोई डिस्ट्रप्शन आता है वहाँ से अगर हमें नेचुरल जो हमें फॉसिल फ्यूल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है तो उस केस में हम उन स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाल करके तेल को काम में ले सकते हैं। तो ऐसे में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी हमें कम से कम 30 दिन तक बढ़ा लेनी चाहिए। साथ में ट्रांसमिशन ग्रिड फैसिलिटी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इन सब को हमें स्केल अप करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटीग्रेशन प्रॉपर आना चाहिए,
क्योंकि आप जानते हो कि आज के टाइम पे जो हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में प्रॉपर इंटीग्रेट करेंगे उसका फ़ायदा। दूसरी चीज़ आगे और बता रहे राइटर कि डिस्कॉम्स जो ऑलरेडी अंडर क्राइसिस हैं उसको भी हमें मैनेज करने की ज़रूरत है, नहीं तो पता नहीं पड़े कि डिस्कॉम्स का प्रेशर जो है वो नई एनर्जी एस्पेक्ट्स के ऊपर पड़ने लग गया, तो वो प्रॉपर मैनेज होना ज़रूरी है। पांचवा सजेशन है ग्रीन इंसेंटिव। देखो गवर्नमेंट के द्वारा MSMEs को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी गई, या फिर आप देख सकते हो कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट हमारा है मेक इन इंडिया के अंडर में, उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है कि आओ हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करो, पैसा लगाओ, रोजगार तैयार करो, पैसे कमाओ और आराम से बढ़िया प्रॉस्पेरिटी खुद की भी इंश्योर करो कंपनियाँ और इंडिया की भी इंश्योर हो। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करने की ज़रूरत है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे USA में दिया जा रहा है टैक्स क्रेडिट और सब्सिडीज दी जा रही है, तो ऐसे में हमें भी यही काम करने की ज़रूरत है कि हाँ इतने सालों तक हम टैक्स छूट दे देंगे, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, और सब्सिडीज दे दी जाए हाँ भाई कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो इतने परसेंट आपको सब्सिडी दे दी जाएगी या इलेक्ट्रिसिटी पे, किसी भी तरीके से आप इंसेंटिवाइज करो। ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही बेनिफिट एनवायरनमेंट को है, उतना ही बेनिफिट इंडस्ट्रीज को है, उतना ही बेनिफिट गवर्नमेंट को और पब्लिक को तो डेफिनेटली ओवरऑल हो ही जाएगी। सिक्स सजेशन है कि डिमांड कंजर्वेशन और एफिशिएंसी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है, देखो कि आज के टाइम पर हम देख सकते हैं गैस के प्राइसेस क्या चल रहे हैं, एकदम स्काई रॉकेटिंग गैस और तेल के भाव देखो आप। तो ऐसे में यूरोप में एक प्रैक्टिस की जा रही है, दैट इज़ डिमांड मैनेजमेंट, कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है ना उसी के हिसाब से एनर्जी कंज्यूम करो, एक्स्ट्रा एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब एनर्जी की डिमांड कम होगी तो रशिया जैसे कंट्रीज़ पर रिलायंस भी यूरोप की कम होगी, तो एग्जैक्टली ऐसा ही हमें भी कुछ करने की ज़रूरत है। क्या किया जाए, एक प्रॉपर मैनर में लेजिस्लेशन कानून लाया जाए जो कि ये इंश्योर करे कि जी डिमांड को हम रेशनलाइज कर पाए। ठीक है, सातवां सजेशन राइटर का सीधा सा है कि हमें रीट्रेन करने की ज़रूरत है, मैन पावर को अपस्किल करने की ज़रूरत है। भाई रियलिटी तो क्या है, हमारे पास में जो ट्रेडिशनल या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी बेसिस पर जो सारा मैकेनिज्म है, जो फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं, उनको हमें डेफिनेटली ट्रांजिशन की तरफ तो लेकर के जाना है, चाहे हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें या कंजम्पशन की बात करें, तो वही चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे में अपस्किल करने की ज़रूरत है, रीट्रेन करने की ज़रूरत है मैन पावर, जैसे कि वो एम्प्लॉयबल भी बन जाएंगे डेफिनेटली, है ना। तो इसके लिए देखो हमें हमारी प्रोग्रेसिव मैनर में जो हम अब ले जाना किधर चाह रहे हैं हम इकोनॉमी को, ग्रीन एनर्जी की तरफ, तो उसी के हिसाब से उनकी ट्रेनिंग करवा दो जो मैन पावर है। आ जाओ जी आठवें सजेशन पे, एनर्जी डिप्लोमेसी। भाई कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, हम डिप्लोमेटिकली एंगेज करके हमें तो नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देना है। आज अगर देखा जाए हालत क्या है इकोनॉमिकली या ग्लोबल इकोनॉमी की या जियोपॉलिटिकली देखा जाए, यूक्रेन रशिया इशू, इसके अलावा आप देख लो ताइवान चाइना इशू, इस तरीके से वेस्टर्न एशिया में देख लो कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। तो ऐसे में हमें स्किलफुली उनके साथ एंगेज करना है और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी डिप्लोमेसी, ठीक है, स्किलफुली, जो कि इंडिया कर भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी नवा सजेशन है होलिस्टिक गवर्नेंस। भाई सीधी सी बात है कि हमें सिलोज में अभी स्ट्रक्चर को जो चल रही है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि सिलोज आइसोलेटेड मैनर में एनर्जी सेक्टर काम ना करके इंक्लूसिव मैनर में काम करे, और इसको प्रमोट करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या किया जाए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्रिएट की जाए जो कि एनर्जी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को इंटीग्रेट करें, और जो सिलोज में ऑपरेशन होता है, हाँ जी प्लानिंग अलग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन अलग हो रही है, सोलर एनर्जी अलग है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी अलग है, तो ऐसे में बोले ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम आती है इंटरफेस में, इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसको प्रॉपर भी हमें करने की ज़रूरत है। तो एक गवर्नेंस इशू हमारा प्रॉपर होना चाहिए। फिर लास्ट सजेशन है दसवां, दैट इज़ पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप। भाई सीधी सी बात क्या है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक सरकार एक पॉलिसी, एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी पे काम करने की शुरुआत की, पता पड़ा कि नई सरकार, जैसे ये नई चुनाव के बाद में नई पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनती है, और उसने यू टर्न ले लिया, बोला ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी रहती है डेमोक्रेसीज में। इसके लिए देखो मार्क कार्नी जो कि गवर्नर रह चुके हैं यूके के सेंट्रल बैंक के, उनका सीधा ये कहता है इस तरीके का जो इशू है दैट इज इसको हाईलाइट किया था ट्रेजेडी ऑफ होराइजंस, कि कैसे कैसे पॉलिटिक्स में चेंजेस आते हैं,
पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, सोसाइटी में और एनर्जी की ट्रांजिशन की तरफ जब एक बंदा कदम उठाता है तो दूसरा बैकफिट पे जाता है। तो एक तो ये स्टेटमेंट, और दूसरा जीन क्लूडे जंकर, ये यूरोपियन कमीशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दिया था कि हमें ये पता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं वो हम करना स्टार्ट तो कर देंगे, पर हमारे पास में ये गारंटी नहीं है कि हम दोबारा से इलेक्ट होकर के आ जाएंगे क्या, क्योंकि आज हमने पॉलिसी बनाई, उस पर काम करना शुरू किया, पता पड़ा अगले ही चुनावों में हम हार गए, दूसरा कोई और आकर के सत्ता में बैठ जाएगा तो पता नहीं है कि वो पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर जो टेम्पोरल डिफरेंसेज होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में या पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में, उनमें बैलेंस बनना जरूरी है, उनको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की जरूरत है जिससे कि पूरे देश को फायदा हो। नहीं तो क्या होता है, डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक पॉलिसी बनाती है कोई भी पार्टी और दूसरी पार्टी आती है सबसे पहले उन पॉलिसीज को स्क्रैप करती है और फिर बाद में अपना टैग लगाने के चक्कर में दूसरी पॉलिसीज लॉन्च करती है जिसमें कि एक्स चक्कर को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है, और वो लॉस डायरेक्टली किसको उठाना, इनडायरेक्टली किसको उठाना पड़ रहा है, जनता को। तो ये 10 सजेशंस थे कि कैसे हम हमारी एनर्जी सेल्फ रिलायंस है वो इंश्योर कर सकते हैं 2040 तक। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनाज ताइवान मिस एडवेंचर, आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर प्रभाष रंजन और अमन कुमार जी ने। देखो इनका ये कहना है कि जब नैन्सी पेलोसी जो कि यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है वो ताइवान की विजिट पे आई, तब से चाइना लगातार अपनी तरफ से मिलिट्री एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है ताइवान स्ट्रेट में। ठीक है, अब ताइवान स्ट्रेट आपको पता होनी चाहिए कि चाइना की अगर हम कोस्टल लाइन देखें और इधर ताइवान देखें तो दोनों के बीच का जो बॉर्डर, दोनों के बीच की जो वाटर बॉडी है दैट इज़ ताइवान स्ट्रेट। तो वहाँ पर ताइवान को डराने धमकाने की पूरी कोशिशें की जा रही है। अब हमारे जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो तो देखो ये चेक कर रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉस्ट हो सकती है अगर चाइना इस तरीके से एग्रेशन दिखाता है, तो कि ताइवान की तरफ दिखाएगा तो बाकी कंट्रीज़ को भी आंखें दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी जिसमें से इंडिया भी है, और साथ में चाइना अगर लड़ाई लड़ता है तो उसका नुकसान केवल चाइना ताइवान के ऊपर नहीं होता है। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो इन दोनों को ही नहीं उठाना पड़ेगा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन में है और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएगी। अब सवाल ये आता है कि क्या ताइवान पर चाइना अटैक करेगा या नहीं, तो इसके जवाबों के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था ना तब उसके बाद में एक एंटिटी स्टैब्लिश की गई थी लीग ऑफ नेशन, उसका काम था कि बल लड़ाई रोकने की पूरी कोशिश करनी जानी है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जैसी लड़ाई दोबारा ना हो, पर आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक हो जाता है, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर रुकता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कर दिया जाता है, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर था, जो एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ था, उनके आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करें अभी तक तो उसको अंडरस्टैंड करने में हमें आर्टिकल 1 और 2 वो और प्रीएम्बल, ये तीन चीज़ें शो करती हैं कि किस तरीके से वॉर को रोकने के एफर्ट्स इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाएंगे। देखो आर्टिकल 2.47 सीधा सीधा क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं उनको खुद को रोकना है, रिफ्रेन करना है कि वो कहीं पर भी किसी भी दूसरे देश को फोर्सफुली दबाव में नहीं लाएगा, अपनी फोर्सेस को यूज़ करके किसी भी दूसरे स्टेट की इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल 2.4 बोलता है यूनाइटेड नेशन के चार्टर की बात करें। हाँ, अब सवाल ये आता है फिर भी वॉर तो होते हैं, तो इसका जवाब ये है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 ये कहता है कि केवल एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें वॉर हो सकता है, वो क्या कि मान लो कि कोई कंट्री अटैक कर दे दूसरे कंट्री पे, तो दूसरा जो कंट्री है उसको पूरा अधिकार है कि अपनी खुद के डिफेंस के लिए, खुद के अधिकारों के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो भी हथियार उठाए। तो पहले कंट्री ने अगर अटैक कर दिया, दूसरे ने हथियार उठा लिया, तो वॉर में कन्वर्ट हो गया डेफिनेटली। तो ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, पर ये भी डिफेंसिव मैनर में, अटैक करने के लिए प्रोवोकेट नहीं करता है यूनाइटेड नेशन का चार्टर। तो ऐसी परिस्थितियों में ये दो पॉइंट्स हमें क्या शो करते हैं, नंबर वन कि एक तो स्टेट हम किसको बोलेंगे, नंबर टू कि किसको सेल्फ डिफेंस
का सेल्फ डिफेंस के लिए अधिकार मिल रहे हैं, या फिर क्या ऐसी पोजीशन आएगी जो कि ट्रिगर करेगी कि हाँ जो बंदा जो कंट्री विक्टिम है यहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार उठा सके। जैसे कि अगर चाइना ताइवान पे अटैक करें तो सबसे पहला काम तो ये है कि ताइवान और चाइना क्या स्टेट की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि ताइवान पे अगर चाइना अटैक करता है तो ताइवान कब हथियार उठा सकता है खुद के प्रोटेक्शन के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान क्या एक स्टेट है? बहुत बड़ा सवाल है, कारण कि ताइवान जो है अभी चाइना अपनी तरफ से बहुत हद तक क्लेम करता है कि हाँ जी ताइवान हमारा ही पार्ट है वन चाइना पॉलिसी के अंडर में। ठीक है, अब चाइना की बात करें तो चाइना जिस तरीके से हमने अभी देखा आर्टिकल 2 क्लॉज 4 2.4 जो हमने देखा यूनाइटेड नेशन चार्टर का, तो उसके हिसाब से चाइना को कोई अधिकार नहीं है कि वो ताइवान की टेरिटरी पे अपनी दादागिरी चलाए। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 जो कि मोंटेविडियो कन्वेंशन है उसमें सीधा ये है कि एक स्टेट जो है वो स्टेट कब बनता है, जब एक स्टेट के पास में, स्टेट का मतलब यहाँ पे राष्ट्र बन रहा है, स्टेट का मतलब एक राज्य बन रहा है, राज्य का मतलब हो गया वहाँ के, अब डेफिनेशन क्या है राज्य की, ठीक है ना। मोंटेविडियो जो मोंटेविडियो कन्वेंशन है उसका आर्टिकल 1 कैसे डिफाइन करता है, मतलब कंटेम्प्रेरी डेफिनेशंस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो स्टेट का मतलब क्या है? एक ऐसा एरिया जो कि डिफाइंड है, एक ऐसी ज्योग्राफिकल एरिया जो कि जिसकी टेरिटरी बाउंड्रीज डिफाइंड है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ पर रहने वाले लोग, परमानेंट लोग। नंबर 3 वहाँ की गवर्नमेंट। नंबर 4 कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस में एंगेज करने की कैपेसिटी रखे। अगर ये चार डेफिनेशंस आप चार चीज़ों को कंसिडर करो तो ताइवान इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ताइवान क्या है? मोंटेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से एक स्टेट है, जबकि यूएन चार्टर के हिसाब से देखिए, और चाइना का जो अपनी तरफ से कहने का, यूएन चार्टर क्या, यूएन चार्टर में तो रिक्वायरमेंट है कि स्टेट होना चाहिए। अब स्टेट होने के लिए मोंटेविडियो कन्वेंशन है, मोंटेविडियो कन्वेंशन की चार कंडीशंस हैं, चारों कंडीशन को ताइवान फुलफिल करता है, पर चाइना इन चारों कंडीशंस को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि चाइना बोलता है कि ताइवान तो हमारा पार्ट है। तो कुल मिलाकर के मोंटेविडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के हिसाब से ताइवान एक स्टेट डिफाइन होता है, और स्टेट डिफाइन होने की कंडीशन में अगर चाइना लगातार अपनी अग्रेशन दिखाता है तो उस केस में ताइवान को पूरा अधिकार है कि वो हथियार उठाए अपने खुद के डिफेंस में, और यूनाइटेड नेशन की भी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ताइवान की प्रोटेक्शन इंश्योर की जाए, क्योंकि ताइवान जो है वो एक स्टेट की डेफिनेशन फुलफिल करता है। चाहे चाइना कितना ही कुछ बोले कि हमारा पॉलिटिकल हमारा खुद का है ताइवान, पर देखा जाए तो ताइवान पिछले 70 सालों में एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक मैनर में कंटिन्यू करने वाला कंट्री है, राइट। आज तक ही ताइवान ने खुद ने चाइना का पार्ट नहीं डिक्लेयर किया फॉर्मली, तो चाइना कैसे कह सकता है? ऐसे तो कोई भी बोल रहा है, ऐसे तो इंडिया बोल दे कि हाँ जी आसपास का साउथ इंडिया, साउथ एशिया है वो पूरा का पूरा इंडिया का है, पर वो हो जाएगा थोड़े ना, जब तक प्रॉपर फॉर्मल मैनर में डॉक्यूमेंटेशन पे फाइनलाइज ना हो जाए। तो ऐसे में ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने के नाते, एक स्टेट के नाते, ताइवान को सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। अब देखो बात ऐसी है कि चाइना को इस तरीके से कोई अधिकार नहीं मिलता है कि चाइना जो है वो ताइवान को डराए धमकाए और उस पर अपनी पकड़ बनाए। ठीक है, अभी देखा जाए तो नैन्सी पेलोसी की अगर बात करें तो वो तो एक डिप्लोमेटिक विजिट थी। कौन सी वहाँ पर लड़ाई करने की बात थी? कोई एग्रेशन या थ्रेटन करने की बात थी वहाँ पर? नो। तो चाइना ने क्यों अटैक किया भाई? आर्टिकल 51 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। क्या कोई आर्म्ड अटैक हुआ? क्या ताइवान और यूएसए ने मिलकर के चाइना के खिलाफ में कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान अटैक किया है? अब ऐसे तो मीटिंग सभी करते रहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये कर रहा है कि हाँ भाई पकड़ अपनी बनाई जाए। तो देखो चाइना जो है ना ताइवान की अगेंस्ट में जो वायलेंट एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 33 के हिसाब से ये है कि जिन भी पार्टीज़ में लड़ाई अगर होने के चांसेस हैं तो वो शांति से बैठ करके अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करें। तो शांति स्थापित करने का भी प्रोविज़न सीधा है। ठीक है, और तो फाइनल पॉइंट राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि ताइवान के लोग बहुत हद तक सेल्फ डिटरमाइंड है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, बहुत रेयर है, कुछ तो देखो हर देश में होते ही हैं, हमारे देश में भी आपको पता है कि खुद के जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। तो ठीक है, सब नहीं है, कुछ लोग हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं।
तो ऐसी सिचुएशन तो डेमोक्रेसी में तो नॉर्मली दिखेगी। क्या चाइना में चाइना के लोग चाइना के सिस्टम के अगेंस्ट में नहीं है? डेफिनेटली है, पर उनकी आवाज अभी थोड़ी छोटी है या फिर दबाई हुई है। तो उस केस में ताइवान के भी कुछ लोग हैं, वो हो सकता है कि चाइना के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन रखना चाहे, पर ज्यादातर जो एस्टैब्लिशमेंट के सिस्टम की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जो डेमोक्रेसी वहां पर चल रही है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन पे काम कर रही है। तो कुल मिलाकर के ताइवान के लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो इंटरनेशनल लॉज के बेसिस पे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको साथ दे। तो यही पॉइंट बताया जा रहा है कि चाइना जो अपनी चालसाजी कर रहा है ना, उसको लगातार रोकने में वर्ल्ड कम्युनिटी को पूरी कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना एग्रेशन जो है वो अपनी तरफ से है। क्योंकि अब इसकी भी देखो वही होगी, मूंछ का बाल बन गया है एग्जैक्टली वैसे जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जो 3 दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। अभी तक तो 4 महीने खत्म होते होते हो लिए, ठीक है, अब वहां पर फेस ऑफ वाली सिचुएशन है कि कैसे इज्जत बचाई जाए। एग्जैक्टली यही चाइना कर रहा है कि हाँ जी ताइवान ने जो करना था नैन्सी पेलोसी की विजिट वो तो करवा दी, अब चाइना अटैक करे कि ना करे, बस वहां पर चारों तरफ घूम घूम करके और खुद के हथियार फोड़ रहा है, बस बम फोड़ रहा है चारों तरफ। अब ताइवान पे एक अटैक करने की कोशिश, एक ड्रोन गया तो ड्रोन को ताइवान ने मार के गिरा दिया। अब देखने वाली बात यह कि सिचुएशन क्या यूक्रेन और रशिया वाली सिचुएशन में बढ़ती है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदगी है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि यूएसए ने सीधा ताइवान के साथ में एग्रीमेंट कर रखा है, यूक्रेन के साथ में नेटो का कोई एग्रीमेंट नहीं था, इसलिए वो सीधा उसकी ज़मीन पे उतर के उसको डिफेंड करें ऐसा नहीं है। और यूएसए ने ताइवान के साथ डील कर रखी है, अब ताइवान पर अटैक करता है चाइना तो डेफिनेटली यूएसए आएगा, और अगर यूएसए पे गलती से अटैक कर दिया चाइना ने सीधा तो उस केस में आ जाएगा नेटो। तो कुल मिलाकर के फिर बाद में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको उठाना पड़ेगा? एग्जैक्टली वैसे ही चाइना को उठाना पड़ेगा जैसे कि जर्मनी ने उठाया, बाकी तो वक्त बताएगा भाई। ये इक्वेशंस फंसी हुई है, आगे चलते हैं। लास्ट आर्टिकल, फीडिंग ह्यूमैनिटी सेविंग द प्लेनेट, अशोक गुलाटी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो हम चाहते हैं प्रॉस्पर भी हो, हमारी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू भी करें, जिसको हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि आज हम हमारी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में एनवायरमेंट को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। सबसे मेन बात टॉप सॉइल, जमीन का जो ऊपरी भाग है, जो मोस्ट फर्टाइल पार्ट है, जो हमें फूड देता है, फीड देता है, फाइबर देता है, वो खत्म हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन लगातार हो रहा है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ होने की वजह से या इंडस्ट्रियल वेस्ट यूज़ होने की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, एयर है वो पोल्यूट हो रही है। इसके अलावा आप देखो कि जब नवंबर दिसंबर जनवरी का टाइम आता है, उस टाइम पे पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग होती है, तब दिल्ली में सांस लेना तक दुश्वार हो जाता है। तो इसका नुकसान केवल ह्यूमन को ही नहीं उठाना पड़ रहा है, इसका नुकसान पूरे प्लेनेट को उठाना पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल वेल्थ के इस रैपिड डिटेरियोरेशन को रोकना ज़रूरी है, चाहे हम कैसे भी करें, चाहे हम नेचुरल फार्मिंग पे स्विच करें, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच करें, पर इसके लिए हमें एक केस टू केस स्टडी करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेनेट पे प्रेशर कितना है। देखो 1804 में पहली बार 100 करोड़ की पॉपुलेशन पहुंची थी इस प्लेनेट की, फिर आप देखो अगले 123 सालों में लगभग 1927 में 2 बिलियन पॉपुलेशन हो गई, फिर 1960 में तीन बिलियन पॉपुलेशन हो गई 33 सालों में, ऐसे करते करते अगले 14 सालों में ही 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर अगले 13 सालों में 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर अगले 11 सालों में 1 बिलियन पॉपुलेशन और बढ़ गई, और फिर अगले 12 सालों में 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई, और फिर अगले 12 सालों में 1 और बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। टोटल 8 बिलियन पॉपुलेशन हो चुकी है, 800 करोड़ से ज़्यादा लोग अब इस धरती पर रहते हैं अगर हम ह्यूमन की बात करें। अब सवाल यह है कि डिमांड तो बढ़ती चली जा रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें उधर से सप्लाई कम होती चली जा रही है, तो कैसे हम सस्टेन करें, कैसे निरंतरता बनाई रखें? क्या हमें श्रीलंका की तरह नेचुरल फार्मिंग पे स्विच कर जाना चाहिए, केमिकल फार्मिंग को आउट डिस्कार्ड कर देना चाहिए? तो इसके लिए देखो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत से काम किए जा रहे हैं, या श्रीलंका जैसे कंट्रीज ने तो अपनी तरफ से काम किया, वो बात अलग है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को हटा करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने प्रमोट किया तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। सिक्किम जैसे स्टेट ने 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। यूनियन गवर्नमेंट ने भी क्या कह दिया कि गंगा के आसपास में जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वहाँ पर केवल और केवल नेचुरल फार्मिंग की जाएगी, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किए जाएंगे। अब सवाल ये है कि हमें फार्मर्स की इनकम को भी इंश्योर करना है, और ह्यूमैनिटी के लिए जो
खाने की जरूरत है, फूड है, वो भी इंश्योर करना है, अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है। एक सच्चाई हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हम नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ स्विच करते हैं तो उसमें 30-50% की प्रोडक्शन की कमी आती है। फिर बाद में जब लगातार करते हैं वो प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते, तब जाकर के थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है। पर एक बार तो 100 किलोग्राम की बजाय 70 किलोग्राम या 50 किलोग्राम ही गेहूं प्रोड्यूस हो तो आप समझ सकते हो कि फूड क्राइसिस, फूड शॉर्टेज कितनी है, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। 2023 में हम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री होने वाले हैं, तो हमें श्रीलंका जैसे सिनेरियो से अगर बचना है तो हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच नहीं कर सकते। क्या किया जाए? राइटर सीधा बोल रहे हैं, मेरे पास में एक ऑप्शन है, दैट इज़ प्रेसिजन फार्मिंग। प्रेसिजन फार्मिंग का मतलब सोच समझ करके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो, ट्रेडिशन भी हो और एक्सपीरियंस भी हो। जैसे कि इस फार्मिंग में क्या किया जाए, कम से कम इनपुट और कम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम इंश्योर कर सकें। अब वो इनपुट चाहे नेचुरल हो चाहे हम एंथ्रोपोजेनिक हमारी तरफ से इन्वेस्ट करें। इसके लिए क्या किया जाए, हमें इनोवेशन पर काम करना होगा, हमें डेवलप करना होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमें डेवलप करना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जिसमें डेटा को प्रॉपर यूज़ किया जाए कि हाँ पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हमें करना होगा जिससे कि हमारे आउटपुट ज़्यादा मिले एग्रीकल्चर में। इसके अलावा प्रेसिजन फार्मिंग में हमें टेक्नोलॉजी बेसिस सेंसर यूज़ करने होंगे, कब बारिश हो रही है, कब पेस्ट अटैक हो सकता है, इन सारी चीज़ों से हमें बचना होगा। ड्रोन्स का यूज़ करना, सैटेलाइट्स का जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ करना, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें हम डेटा को एनालाइज करके पता करें कि किस खेत में क्या ज़मीन है, क्या उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी है, क्या क्या हमें फर्टिलाइज़र, क्या हमें इनपुट डालना चाहिए, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन पर हम फोकस कर सकते हैं, हाइड्रोफोनिक्स पे काम कर सकते हैं, दैट मीन्स बिना मिट्टी में पानी में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो, एरोफोनिक्स जो हवा में लटकी हुई जो बेलें होती हैं उनसे हम कर सकते हैं, वर्टिकल फार्मिंग क्योंकि ज़मीन की अगर कमी पड़े तो वहाँ पर हम वर्टिकल फार्मिंग दैट मीन्स हम बिल्डिंग पे जो लटका करके बेलें होती हैं उनसे भी हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कुल मिलाकर के नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको तो हम मिनिमम एक्सप्लोइट करें और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकें, और ये है तो आपकी प्रेसिजन फार्मिंग एक आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या है हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी का इशू, कि पैसे को इस तरीके से डाइवर्ट किया जाता है जिससे कि वोट बैंक सेफ रहे और बोलो उसके चलते फ्री पावर, फ्री वाटर ये प्रॉब्लम कर देते हैं। आप रैशनलाइज करो ना, यूरिया पे जो आप सब्सिडी देते हो उसको रैशनलाइज करो। प्रेसिजन फार्मिंग का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो केमिकल फार्मिंग, उनका सबका मिक्स होना चाहिए, और मिक्स भी कैसे, सही तरीके से, कि कहाँ पर हम ऑर्गेनिक में जा सकते हैं, कहाँ पर अभी भी हमें मजबूरन केमिकल पर रिलाई करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते 100% केमिकल को डिस्कार्ड कर दो, नहीं तो श्रीलंका जैसे क्राइसिस आ जाएंगे। तो आज की परिस्थितियाँ 1960 या 1970 की नहीं है जब हमें सब्सिडी देने की ज़रूरत पड़ती थी, भाई गरीब किसान है बहुत सहायता करनी है। अभी हमें किसान की गरीबी को ख़त्म करने के लिए उसके पॉकेट में पैसा डालने की बजाय हमें ये सोचने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है कि उसको पैसा कमाने की, 2 रुपए और ज़्यादा कमाने की कैसे व्यवस्था की जाए, वो ज़्यादा लंबी टिकेगी बजाय कि आप सब्सिडी दे करके फिर सपोर्ट कर रहे हो। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला जो इशू है कि पॉलिटिक्स के चलते कैसे इकोनॉमिकल प्लानिंग होती है, वो चीज़ कौन शुरू करेगा, रिफॉर्म्स कौन लेकर के आएगा, ये देखने वाली बात है, ये बड़ा चैलेंज है। तो अपनी तरफ से ये प्रेसिजन फार्मिंग का पॉइंट था। अब एक आर्टिकल है देखो, टीचर्स डे से रिलेटेड, वो आर्टिकल आप खुद से कर लेना, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उस आर्टिकल में। ठीक है, द टीचर्स डे। चलिए इस डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच।